धर्म वाली सियासत पर माया का हमला, 24 में पूरा होगा बदला। दलित मुस्लिम का गठजोड़, हाथी को मिलेगा हार का तोड़। जैसे जैसे 24 की लड़ाई नजदीक आ रही है, सियासी जोर आजमाइश तेज होती जा रही है, क्योंकि अब मायावती ने हिंदुत्व वाली सियासत पर निशाना साधकर यूपी की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। मायावती ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के सॉफ्ट हिंदुत्व को न सिर्फ टारगेट किया है, बल्कि ये कहते हुए माहौल गर्मा दिया है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां खुलकर उपेक्षा कर रही हैं। खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं। इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए। दरअसल मायावती का फोकस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है, जिसके लिए वो अपने दलित मुस्लिम गठजोड़ को फिर से मजबूत करने में लगी हैं, क्योंकि इन राज्यों में अगर मायावती ने दम दिखाया तो उसका असर 24 में भी नजर आएगा। दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का हर स्तर पर हो रहा शोषण तथा यहाँ भी बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, हो रहा उत्पीड़न आदि के विरुद्ध, अर्थात इन चारों राज्यों में इस वर्ष हो रहे विधानसभा आम चुनाव में इन जरूरी मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी पूरी तैयारी के साथ यहाँ चुनाव में उतर रही है। लेकिन मुस्लिमों की अनदेखी की जो बात मायावती ने कही है, उस पर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली ने ये कहते हुए मायावती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि मुस्लिमों के लिए जितना काम भाजपा ने किया है किसी ने नहीं किया। तुष्टीकरण की और समाज को बांटने की जो राजनीति कर रही हैं वो चलने वाली नहीं है। लोग समझ चुके हैं कि वो इस तरह की बातें केवल एक धर्म को, एक जाति के लोगों को खुश करने के लिए करती हैं, और वो लोग ये जान चुके हैं, ये उनके ढकोसले हैं, इससे कोई लाभ उनको होने वाला नहीं है। गौरतलब है कि मायावती की कोशिश अपने सबसे मजबूत वोट को एकजुट करने पर है, जिसका एक बड़ा ट्रेलर मायावती यूपी में हुए निकाय चुनाव में दिखा चुकी हैं, जहां नगर निगम की 17 सीट में से 11 पर बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार पर भरोसा जताया था। मायावती इन चारों प्रदेशों में लगातार चुनाव लड़ती रही हैं और अब दलितों और आदिवासियों के मुद्दों को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों पर निशाना साध रही हैं। मायावती ने साफ कर दिया है कि इन चारों राज्यों में वो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और शोषण के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगी। दरअसल दलित और मुस्लिम वोट बसपा की सबसे बड़ी ताकत रही है। इसी के दम पर बसपा की यूपी में 4 बार सरकार रही, इसी के दम पर मायावती यूपी के मुख्यमंत्री बने, लेकिन मौजूदा समय में ये वोट बिखरता दिखाई दे रहा है। मुस्लिमों का झुकाव जहां सपा की तरफ दिखाई दे रहा है, वहीं दलित वोट में सपा और भाजपा दोनों सेंधमारी करने में लगे हैं। अब सवाल ये है कि क्या मायावती दलित मुस्लिम वोट को एक सूत्र में बांध पाएंगी, और बांध पाएंगी तो क्या फिर एक बार यूपी में अपनी ताकत का एहसास करा पाएंगी।